सुना है यू आर सेलिंग योर स्कूटर या गॉट अ न्यू कार. सही है, बिग बोनस. तो सेविंग्स? सेविंग तो मैं भी करती हूँ, उसे कार नहीं आती. मैं काफी सालों से हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा सेव कर रही हूँ. कुछ फंड्स बेच दिए, बॉट अ न्यू कार. सही है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. पहले बताइए आपका ऑक्शन के दिन रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आप टीम का हिस्सा होने वाली है. पहले तो थैंक यू सो मच. एक्चुअली हम लोग का डोमेस्टिक चल रहा था उस टाइम पे, और जो चैनल है जिसपे आ रहा था ये ऑक्शन वो हमारे पास नहीं था, तो हम लोग सब अपने अपने फोन में लगे हुए थे. तो दिल की धड़कन सबकी बढ़ती है जब, और क्या हुआ, सबसे पहले उन लोगों ने बोला स्पिनर्स का, जैसे नाम लिया मैंने कहा ओ शिट मेरा नाम आने वाला है. तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम से ऐसे हार्ट बीट बढ़ गए थे. ऐसा लग रहा था कि उससे पहले कभी भी इंडिया खेलते टाइम भी ऐसा नहीं हो रहा था, कभी फीलिंग्स ऐसे नहीं आए. या सिलेक्शन टाइम पे ऐसा हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्म करते तो सिलेक्शन होता है, लेकिन ऑक्शन में तो ऐसा है कि भाई बोली लगी है, आएगा नाम भगवान के भरोसे है. तो फिर जब पहली बार नाम आया तो जैसे मेरा नाम आया मैंने कहा शिट पता नहीं क्या होगा. तो फिर जैसे उन्होंने बोला द प्लेयर रिमेन अनसोल्ड, मैंने कहा शिट, मैंने कहा भगवान अब तो अनसोल्ड हो गया. फर्स्ट टाइम पे मैं अनसोल्ड थी. फिर मैंने कहा यार मेरा नहीं हुआ तो मैं चलो और लड़कियों का तो देखूं और कौन कौन सोल्ड हुआ है तो मैं उनका देख सकती हूँ. फिर उसके बाद वेदा लोग वहां पे उनका चल रहा था अलग से कि ये प्लेयर्स अनसोल्ड हुए हैं, अन्या सुषमा पूनम हम तीनों के लिए बहुत ज्यादा चल रहा था. तो फिर मैंने कहा यार ये छोड़ो, हम देखते हैं कि हमारी टीम में से और कौन लड़की सिलेक्ट हुई है, कौन कौन सोल्ड हुई है. तो हम लोग अपने रेलवे प्लेयरों को देख रहे हैं, नहीं कौन सिलेक्ट हुआ है, यूपी प्लेयर्स कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं. तो हम लोग वो देखने लगे ऑप्शन, मतलब फिर देखा पूरा, फिर देखते जा रहे थे थक गए थे ऑप्शन देखते. फिर नाम आया फाइनली, फिर से नाम आया. मैंने कहा शिट, मैंने कहा दोबारा से भी नाम आता है, इतना तो हमें पता ही नहीं था कि दोबारा से भी नाम आता है. फिर जब सिलेक्ट करा तो मैंने कहा बॉस अब सिलेक्ट हुई हूँ बड़ी मुश्किल से, लेकिन भगवान ने जो भी चाहे, भगवान से आगे कुछ भी नहीं है. भगवान ने अगर चाहा तो इसमें शायद मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ. मैं चाहूंगी कि मैं दिल्ली कैपिटल्स को प्रूफ करके दूँ कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट करा है, तो मैं परफॉर्म करके दूँ अपनी टीम के लिए. तो ये जब आपका सेकेंड राउंड में आप ये हो गया आपको दिल्ली की टीम के लिए, तो पहला कॉल किसको गया था सबसे पहले पूनम की तरफ से? देखिए सबसे पहले तो मैंने भगवान को थैंक्स करा जी. उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने भाई को कॉल करा, क्योंकि मैंने मम्मी को फर्स्ट टाइम में बता दिया था कि मैं सोल्ड नहीं हुई हूँ. तो फिर मेरी मम्मी को बहुत परेशानी हो रही थी उस टाइम पे. फिर मैंने 2 घंटे बाद उनको कॉल किया कि मम्मी अब आप देख लो मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं सोल्ड आउट हो गई हूँ, मैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आ गई हूँ. तो मम्मी ने बोला हाँ बेटा मुझे आशु ने बता दिया जो मेरा छोटा भाई है, पापा मेरा छोटा भाई भैया सब लोग अपने अलग अलग जोन में सब लोग देख रहे थे. तो सब लोगों ने बताया कि चल भाई पहले तू मम्मी को बता दे, सबसे ज्यादा टेंशन में मम्मी होंगी. तो मम्मी को बताया तो सब लोग अपने अपने प्रेयर्स करने में लगे थे कि वो भगवान हो जाए पूनम का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सब लोगों को जब फर्स्ट टाइम हुआ तो थोड़ा सा नर्वस हो गए थे सब लोग. लेकिन मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा नहीं अगर भगवान ने चाहा होगा तो जरूर होगा, जो लिखा होगा वो कोई नहीं डाल सकता. और एक है कि आपका डोमेस्टिक चल रहा था उस टाइम पे, तो डोमेस्टिक ने सक्सेस के ऊपर सक्सेस आपकी टीमों ने हासिल किया है, रेलवेज का भी है. तो ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने के बाद एक ऐसा टीम का हिस्सा होना जो रिवॉर्ड किया है उन्होंने आपके परफॉर्मेंस को, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को, तो ये जो सपोर्ट पहले से ही मिला है आपको टीम से ऑक्शन के टाइम में से, वो कितना हिम्मत बढ़ाएगा आपकी सीजन में पूरा? किसी भी प्लेयर के लिए अगर कोई सपोर्ट पीछे से मिलता है तो वो सोचता है कि नहीं यार ये चांस मुझे मिला है मुझे ग्रैब करना है इसको. अब उसके लिए अब मुझे पहले मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा ही करती थी पहले, लेकिन अब मैं और ज़्यादा सोच रही हूँ कि यार क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हो रहा है गर्ल्स के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के अभी बैठे हुए हैं कि नहीं यार पूनम को चांस मिला है फिर से आने का. तो अपने लिए ना सोच के अपने पेरेंट्स के लिए सोच के, मतलब पहले मेरे को ऐसा होता था कि नहीं यार अच्छा परफॉर्म करना है बस इतना होता था. अभी भी मेरा बस यही है कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में मैं हूँ मैं उसको जीना चाहती हूँ, उसको एंजॉय करना चाहती हूँ, और जो मैं बॉलिंग में इम्प्रूव कर सकती हूँ और ज़्यादा कोचेज से मिलके, जो भी हमारे अभी कोचेज हैं वो अगर मुझे जो भी बोलेंगे इम्प्रूव करने के लिए तो मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. और ये है कि पूरे 2-3 सालों के बाद आप ये WPL में
आपकी ब्रिस्बेन हीट की जो दो टीममेट्स है जेस जॉनसन और लॉरा हैरिस के साथ जुड़ने वाली फेस से, वो कैसा एक्साइटमेंट रहेगा? बड़ा नाम, जब मैंने उन दोनों का नाम सुना तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं उनके साथ खेली हुई हूँ और बहुत मजे किए मैंने उस टाइम पे उन लोगों के साथ, तो वो बॉन्डिंग अभी भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी कि नहीं यार बस हम लोगों ने वहाँ मजे करे थे, अभी दोबारा से हम तीनों लोग एक ही टीम में है तो एंजॉय करेंगे, वहाँ पे जितना एंजॉय करा था उससे ज्यादा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हेजिटेशन होता था इंग्लिश बोलने में, अब मैं उनको बोलूंगी बॉस अब आप लोग हिंदी बोल के दिखाओ। आपको सिखानी पड़ेगी जैस और लॉरा को हिंदी थोड़ी बहुत, दोनों को सिखाओ। सिम्बा करके जो वो लॉरा ने उठा के आपका एक विकेट सेलिब्रेशन होता था, हमारी फिंगर्स क्रॉस है कि ये यहाँ पे भी कंटिन्यू हो जाए, तो क्या ये कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से? लॉरा से बात करनी पड़ेगी आपको? नेवर नो, मैंने बात करके नहीं रखा था, उनके लिए इजी था मुझे पिक करना क्योंकि वो लोग इतना हैवी वेट्स उठाते हैं, वो लोग इतना हार्ड हिटर है, मतलब इतना इतना जिम में ऐसे वेट उठाते थे, मैं उनको देखती थी यार ये इतना वजन उठाते हैं, मैं साइड में जाके अपना धीरे धीरे थोड़े थोड़े वेट से अपना जिम करती थी। मैंने बोला बॉस ये लोग तो बहुत ज्यादा हैवी वेट्स करते हैं, हम लोग इतना ज्यादा, हम लोग का स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वी आर नॉट पावर हिटर और पावर वाले गेम नहीं, लेकिन हमारे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। वही स्किल्स आपको WPL में दिखाने को मिल जाएंगे। और इसके साथ उन दोनों के साथ में और एक बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया से ऐड होगा मैग्लानिंग के रूप में, तो आप हमेशा से उनके अगेंस्ट के लिए शायद वो WBBL में भी हो, ये वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ में खेलना कितना मायने रखता है आपके लिए? जरूर मायने रखता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैग्लानिंग को बहुत एडमायर करते हैं जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं नहीं यार मेरी फेवरेट प्लेयर तो तुम्हारी टीम में, मैंने बोला यार कुछ तो उसमें बात होगी जो लोग उसको इतना पसंद करते हैं, उसकी बैटिंग को लाइक करते हैं, एज अ कैप्टन उसको बहुत पसंद करते हैं, जिस तरीके से वो अपना माइंड लगाती है अपने ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो मैं चाहूंगी कि मैं उससे सीखूं कुछ ना तो कुछ, क्योंकि जब हम अगेंस्ट में खेलते हैं तब बात अलग होती है और जब एक साथ टीम में खेलते हैं तब बात अलग होती है, तब वो लोग हमें और व्यूज बताएंगे कि नहीं आप ये वाले प्लेयर अपने प्लेयर्स के बारे में ही बताएंगे कि नहीं आप हमारे प्लेयर्स कैसे बॉलिंग कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा मैच में, तो मैं चाहूंगी कि वो मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करें और हम लोग मतलब जितना हो सके वो टीम में कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। और इसके WPL में आप फिर से जुड़ेंगी इंडियन टीममेट्स के साथ, जमीमा रॉड्रिग्स है, शिखा पांडे, आपकी रेलवे की टीममेट अरुंधति रेड्डी भी है, तो ये तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेलने का है ही, उसके साथ फिर से अपने प्लेयर्स के साथ जुड़ने का मजा कितना आएगा? बिल्कुल, क्योंकि बहुत टाइम से मैं जेमी से, शिखा दी से, अरुंधति से तो खैर रेलवे टीम में बहुत बातें करती हूँ, बहुत खिंचाई होती है उसकी, बहुत खिंचाई करती हूँ मैं, लेकिन फिर से अभी जेमी बहुत ओवर एक्टिंग करेगी, फिर से उसको झेलना है अभी। और शिखा दी विकिपीडिया हम उनको नाम से बुलाते थे क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं फिर से उनसे पूछूंगी नहीं शिखा दी आप बताओ आप क्या सोचते हैं इस बैटर के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अभी दोबारा से सीखने के लिए मिलेगा, हम लोग रिकलेक्ट सारी चीजें करेंगे, बॉन्ड हमारा बनना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग स्टेट से हो गए हम लोग, इंग्लैंड के प्लेयर हो गए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो गए, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड अभी बनाना है, फिर वो मैच में दिखेगा। सीनियर प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम एंड ऑल्सो वन एक्सपीरियंस प्लेयर डोमेस्टिक में, आपका खुद का एक्सपीरियंस टीम के लिए और कोचिंग स्टाफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी अपने कोचेस के साथ, कि क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लेयर्स का पता है कि क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ है उनका, कहाँ अच्छे हैं, तो मैं वो चीज़ अपने कोचेस से शेयर करूंगी कि नहीं सर हम ये बैटर के लिए ये प्लान कर सकते हैं या ये बॉलर ऐसी बॉलिंग करता है तो हम लोग इसको ऐसे खेल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलते हैं सीनियर प्लेयर के क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है बहुत टाइम का, तो आप वो चीज़ें शेयर करते हैं अपने कोचेस से तो उनको हेल्प होगी और कहीं ना कहीं वो लोग भी मुझे बताएंगे कि नहीं हो सकता है कि वो उस टाइम पे ऐसा खेलते थे कुछ और इम्प्रूव करके आए हों, क्योंकि अभी मैं पार्ट नहीं थी इंडिया टीम का अभी हाल फिलहाल एक साल डेढ़ साल, तो उस टाइम पे हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहता है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट उन लोगों ने करा होगा और वो लोग भी मुझे बता सकते कि नहीं इनका अभी थोड़ा गेम चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका गेम चेंज सडनली हो जाता है कुछ, आप अगले साल में देखेंगे तो अरे यार इसको ये शॉट भी आता है, तो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट का और थोड़ा
जो पीछे का है वो तो हमें पता ही है, लेकिन और अभी वो लोग फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि नहीं ये और किस तरीके से खेलेंगे, तो वो मैं उनसे और पूछ सकती हूँ, उनको और बता सकती हूँ कि नहीं सर ये पहले ऐसा खेलती थी, अभी आप मेरे को बता सकते हैं कि ये अभी कैसा खेल रहे हैं। और ये जो विमेन प्रीमियर लीग हो रहा है, बहुत सालों से सबने दुआएं की थी कि ये फाइनली हो जाए, ये इंडिया में हो रहा है, आप उसका हिस्सा है, ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है प्लेयर्स के लिए, फ्रेंचाइज के लिए और फैंस के लिए भी। और अब तो जब आप देखती है, आपने जब क्रिकेट खेलना चालू किया था तब से लेके आज तक, ये इतनी सारी इम्प्रूवमेंट आपके करियर के दौरान ही हुई है, तो ये सारे हिस्ट्री को आप किस अंदाज से देखती है? देखिए अभी जब सिलेक्शन हुआ उससे पहले भी लोग अभी बोलते हैं कि नहीं पूनम मैडम मैं आपके बहुत मैचेस देखता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब अभी तो मैं हाल फिलहाल हिस्सा भी नहीं थी टीम का, लेकिन लोगों का क्रेज मतलब इतना है कि वो लोग बोलते हैं नहीं पूनम मैडम आप बहुत अच्छा बॉलिंग करते हो, उन लोगों का अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार बॉस ये लोग इतना प्रेज कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करके देना पड़ेगा इनके लिए। तो मेरे को अभी यही है कि नहीं यार इतना मैंने क्रिकेट खेला है तो उसको उस एक्सपीरियंस को मैं WPL में यूज करूं और उसका बेनिफिट मेरी टीम को होना चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स को, और फैंस को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने अभी तक का जो प्यार और मेरे को दिया हुआ है इसने, वो आगे WPL में भी मुझे देखने के लिए मिले, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने फैंस को हमेशा खुश रखूं। और ये जो हमने मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के टाइम पे देखा, पूरा DY पाटिल स्टेडियम भरा हुआ, पूरा ब्रेबॉर्न स्टेडियम भरा हुआ, क्या यही होप है कि WPL के मैचेस जब चालू होंगे तो उसी प्रकार से, उसी उत्साह से, जोश से सारे फैंस ये मैचेस देखने आ जाएंगे? जरूर, मुझे लगता है जरूर आएंगे, क्योंकि उस टाइम का ही क्रेज इतना था लोगों को, क्योंकि वो मैच मुझे लगता है 2-3 महीने पहले ही था शायद, दिसंबर तो, जी तो लोग क्रेज अभी भी है लोगों में, क्योंकि पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी इतना अवेयर है लोग कि लड़कियों को खिलाने के लिए नहीं भाई तो क्रिकेट ही खेल, पहले बोलते थे नहीं पढ़ाई करो लड़कियां, लेकिन अब बोलते नहीं भाई तो क्रिकेट खेल भाई, तेरे को ये वाला बैट्समैन बनना है, ये वाला बॉलर बनना है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करते हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, तो वो अगर लोग हमें और आएंगे हमारे मैचेस देखेंगे तो और हमारा कॉन्फिडेंस और अप होगा और हम और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे मैचेस देखने आए, हम लोगों का प्रोत्साहन और बढ़ाएं, हमें एनकरेज करें ताकि हम और अच्छा परफॉर्म करें।